नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के द्वारा महापौर उषा चौधरी पर ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर अवैध खनन कर करोड़ों के बारे न्यारे करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर नगर निगम काशीपुर की महापौर उषा चौधरी ने दीपक बाली द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कड़े शब्दों में तंज कसते हुए कहा है कि जो व्यक्ति पूर्व में स्टोन क्रशर का मालिक व खनन व्यवसायी रहा है, अब वह मेरे ऊपर खनन में लिप्त होने का आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे खनन व्यापारी जो राजनेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं, मुझे उनसे किसी भी तरह के चरित्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर मुझे सफाई देनी होगी तो मैं उस जनता को सफाई दूंगी जिस जनता ने मुझ पर विश्वास कर 3 बार मुझे नगर निगम का दायित्व सौंपा है। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। अपनी कोई भी भूमि या भूभाग नहीं दिया जा रहा था, बल्कि तत्समय नगर निगम के कूड़े को अपने खर्च पर अपनी भूमि में निस्तारण किए जाने की बात कही गई थी, जिस पर नगर निगम को किसी प्रकार का नुकसान नहीं था। इसमें मैं अपने आप को स्पष्ट कर देती हूँ कि ये बिल्कुल बोर्ड की मीटिंग में बहुत इसमें विचार विमर्श होने के बाद ये कहा गया बोर्ड ने कि हम अपना कोई खर्च नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम हमारी जो परिस्थितियाँ थी, अब से 2 वर्ष पूर्व की वो जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल विपरीत थी। अचानक 20 साल से विधायक जी और मेरे ऊपर आज तक कोई भी जो है चरित्र के ऊपर मेरे दाग नहीं लगा सका है। आज एक व्यक्ति जो है राजनीति के लिए मेरे चरित्र पर दाग लगा रहा है, उसको इसका जवाब देना होगा। उस व्यक्ति को जिसको दीपक कहते हैं, दीपक को जवाब देना होगा इसको। मैं हमेशा राजनीतिक रिश्ते और अपने पारिवारिक रिश्ते अलग रखती हूँ। आज भी मुझे दीपक मिलेगा, बहुत प्यार से बात करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार से करेगा। लेकिन यदि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखता है तो मैं प्रतिद्वंदिता की तरह उसके साथ। कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव की शुरुआत है। 2022 क्या किसकी क्या पता किसकी किस्मत खुलती है, मुझे क्या पता किसकी किस्मत खुलती है। 2022 बहुत दूर है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप कहीं ना कहीं मन के अंदर यदि कोई देश भाव होता है तभी कोई प्रत्यारोप लगाता है, आरोप लगाता है। और राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा आरोप जो कभी किसी ने न लगाया हो, और मेरे जीवन के इस 17 सालों में जो मेरा राजनीतिक कैरियर रहा है उसमें न लगा हो, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हृदय में एक पीड़ा होती है कि इस तरह का मुझे बदनाम करने के लिए जो दीपक ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसको कहीं ना कहीं आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मैं जनमानस को ये बताना चाहती हूँ कि ये आरोप निराधार है। और मैं इस जनता की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने विश्वास पूर्वक मुझे इस राजनीति के 12 साल मुझे दे चुके हैं, 12.5 साल हो चुके हैं और 2.5 साल मेरा अभी इस कार्यकाल का बाकी है। यदि मुझ में कुछ कमी थी तो जनता एक बार चुनने के बाद शायद मुझे दोबारा न चुनती, और दोबारा चुनने के बाद मुझे तीसरी बार न चुनती। तो कहीं ना कहीं मैं ये अपना सौभाग्य समझती हूँ कि खाली एक हृदय में या मात्र कुछ मनों में मेरे प्रति द्वेष भाव रखने से इस जनता का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो बोल रहे हैं जनता उनके विषय में भली भांति सब कुछ जानती है कि वो क्या हैं, आज कहाँ पर खड़े हैं और किस तरह कहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। निगम को इन्वॉल्व किया गया है और साथ ही ये कहा गया है कि इसमें कुछ लोगों की मिली भगत ये थी कि इसके माध्यम से खेल खेला जाए, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मुझे तो कभी खेल खेलना आया नहीं, ना ही मैं खेल जैसी बातों पे, मैं वैसे खेल जरूर खेलती हूँ, मैं एक खिलाड़ी रही हूँ, उस टाइप के खेल तो मैंने खेले हैं, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी रही हूँ और खिलाड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, कबड्डी और खो खो की खिलाड़ी रही हूँ।
वो खेल तो मैं बहुत भलीभांति जानती हूँ, लेकिन ये राजनीतिक जो खेल होता है इसको मैं नहीं जानती और न ही मेरे मन में कभी इस तरह का कोई मन में भाव आया। मैं तो देखिए एक सीधी सादी राजनीति करती हूँ और साफ सुथरी राजनीति करने में विश्वास रखती हूँ। हाँ, ये आरोप लगा है, इसीलिए आज मुझे आवश्यकता हुई आप सबको यहाँ पर आमंत्रित कर सबको बताने की आवश्यकता हुई। ऐसा कुछ नहीं है, कैंचिंग ग्राउंड वहाँ पर लेना, वहाँ पर बनाना हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमारे पास अपना स्वयं का कैंचिंग ग्राउंड है। समय की परिस्थितियाँ होती हैं, अचानक 20 वार्ड से जब 40 वार्ड बने तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कूड़े का जो भार था वो नगर निगम के ऊपर बहुत अधिक हुआ और अचानक एक हमारे समक्ष ये प्रस्ताव आया कि आप हम आपके नगर निगम का कूड़ा लेना चाहते हैं, अपनी ज़मीन में डालना चाहते हैं। तो इसको जब ये प्रस्ताव आया तो हमने उस प्रस्ताव को अपने बोर्ड में रख दिया और बोर्ड भी हमारा जानता था, परिस्थितियों से अवगत था, उन्होंने भी शहर स्वीकृति दी, लेकिन उसके साथ प्रतिबंधात्मक ही बोर्ड का रवैया रहा। बोर्ड ने ये कहा कि हम कोई भी एक भी पैसा नगर निगम का खर्च नहीं करेंगे, यदि कोई अपना भरान करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए कूड़ा लेना चाहता है तभी हम अपनी शर्तों पर वो अपने खर्चे पर ले जाए तभी ले जा सकता है, 16 किलोमीटर दूर हम ऐसा कोई अपना कूड़ा अपनी तरफ से ले जाने का कोई कार्य नहीं करें। ऐसा ये सिर्फ उकसाने के अलावा कुछ नहीं है, मानहानि का दावा, ऐसा ही कोई दावे ऐसे ही थोड़े ना किए जाते हैं, दावे पूरे जो हैं उनकी पूरी तह तक जाया जाता है, देखा जाता है क्या शब्द उसके विरोध में जा रहा है तब मान दावा किया जाता है, ऐसी ज़रूरत पड़ी तो वो निश्चिंत रहें इस काम को होते भी देर नहीं लगेगी। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे मैडम। देखिए मैं इससे पूर्व भी जो हमारे समाचार पत्र के माध्यम से मैं आपको बता चुकी हूँ, जो चाहे जाँच करा लें, जाँच कराने का कार्य उनका है जिन्होंने ये मुझ पर आरोप लगाया है, स्वतंत्र होकर जांच कराएं और पूरी जांच कराएं, यदि जांच नहीं कराई तो शायद मुझे भी दुख हो, यानी आप क्योंकि सांच को आँच क्या, वो आपने कहावत हमेशा सुनी है, तो मैं तो यही कहूँ कि आज करे सो अब करे, कल करेगा कब, जो करना चाहते हैं करें, जिसको भी जो जांच करनी है शौक से करें, मेरी तरफ से स्वतंत्र है हर जाँच के लिए।